हेलो गाइस, बम बम बोले तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के लिए हम लोग शिव जी का धाम जा रहे हैं। और शिव जी का धाम पड़ता है हम लोग का यहाँ पे जयंती में, तो हम लोग जयंती जा रहे हैं। तो ये दोस्त के साथ में हम लोग जा रहे हैं और साथ में हम लोग का बाइक है, तो इसमें जाएंगे हम लोग। तो रास्ता का मज़ा आप लोग लेते रहिए और एक ही बार आज हम लोग आप लोगों को धाम का भी दर्शन कराएंगे। तो इसी वीडियो के साथ बने रहिए। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. तो धाम जाने का हम लोग एंट्रेंस में खड़े हैं, अभी हम लोग यहाँ से घुसेंगे और जाएंगे। तो आप लोग भी देखिए, आप लोग को भी दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, हम लोग यहाँ से इंटर करेंगे। यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व दिया हुआ है, तो यहाँ से इंटर करेंगे धाम जाने के लिए। यार बहुत ही मज़ा आ रहा है, लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना लंबा फॉरेस्ट सफ़र कर रहा हूँ। 15 किलोमीटर मानना पड़ेगा, मज़ा आ रहा है। अब देखते हैं कब पहुँचते हैं, तो आप भी मज़ा लीजिए। तो चलिए चलते हैं, मैं भी ड्राइव करता हूँ, तो चलते हैं, हम दोनों मज़ा लेते हैं और आप लोग नज़ारे का मज़ा लीजिए। इंजॉय। बस हम लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं। तो ये नदी है, सबसे पहले धाम जाने के लिए सबसे पहले ये नदी पड़ता है। और ये कौन सा नदी हो तो हम लोग को नहीं पता, तो आप लोग भी देखिए, पता नहीं, कमेंट कीजिएगा, आप लोग को पता होगा होने से। तो आप लोग भी देखिए, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। Winter's here, the snow is falling on a car, as we drive. तो बाइक को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि रास्ता तो बहुत, आप देख सकते हैं कैसा है। तो बाइक को भी ज़्यादा ट्रबल नहीं देंगे, यहाँ से हम लोग पैदल यात्रा करेंगे। तो अभी पैदल जाएंगे दोस्त के साथ में, दूर में ही है बट कोई बात नहीं है, पैदल जाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो चलिए पैदल सफ़र का मज़ा लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कितना यहाँ पे भक्त जन सब यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी हम लोग भी जाएंगे साथ में, आप भी देखिए। आने के लिए तो यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम लोग भी आएंगे थोड़ी देर बाद में, जितने भी भक्त जनों सब यहाँ पे थक जाएंगे। तो यहाँ पे पीने और खाने का व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। हम लोग तो अभी थके थे बट हम लोग स्टिंग पी लिए एनर्जी ड्रिंक, तो उससे हम लोग का एनर्जी आ गया। तो हम लोग भी थक जाएंगे और इसे यहाँ पे आएंगे और उसके बाद में फिर से हम लोग यात्रा करेंगे और आप लोग भी ऐसी यात्रा का मजा लेंगे। Bouncing off the houses, the church choir sings aloud. जितने भी भक्तजनों हैं उन लोग के लिए दही का घोल है, तो हम लोग भी पी के देखते हैं। बड़े मज़ा लग रहा है देखने में, तो पी के आप बताएंगे कैसे लगेगा। और यहाँ पे खाने के लिए भी व्यवस्था किया गया है, आप देख सकते हैं। ये है दही का घोल, तो दोस्त के साथ में पियेंगे, तो उसके बाद में अच्छा लगेगा तो और एक ग्लास पी लेंगे और एनर्जी आ जाएगा चलने के लिए। तो दोस्त के साथ अभी पियेंगे। बहुत ही टेस्टी है, कैसा लगा दोस्त? एकदम स्वादिष्ट है। तो दोस्त को भी बहुत ही स्वादिष्ट लगा, तो अभी और एक गिलास पी लेंगे, फिर मज़ा लेंगे, उसके बाद में आगे यात्रा करेंगे। तो चलिए, आप ये देख सकते हैं। बोलिए क्या करना है। गरम 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 गरम। तो हम लोग भी ले लिया, अभी हम लोग भी खा लेंगे क्योंकि भूख भी थोड़ा लगी गया है। ले ले। मैं तो खा लिया, अभी दोस्त भी खाने के लिए शुरू हो गए, आप देख सकते हैं। दोस्त ने तो खाली था उस समय, गया था, मैं गया था उस समय, बहुत भीड़ था, बहुत मुश्किल से लिया हूँ, तो दिखा रहा हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप लोग भी जो लोग देख रहे आ सकते हैं खाने के लिए। देख सकते हैं भक्त सब के लिए जाने के लिए ब्रिज भी बनाए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं रास्ता। तो अभी हम लोग का यात्रा तो चल ही रहा है, तो दोस्त आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे चलने के लिए, यात्रा करने के लिए? एक्चुअली उतना थकान भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैं, हम लोग पहले भी बोले हैं और देख भी लिए, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने का मतलब अच्छी तरह से व्यवस्था किया गया है।
तो आप थकान उतना महसूस नहीं कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया लगेगा आप लोगों को और हम लोग को भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है और कुछ दूर है हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो बने रहिए इसी ब्लॉग के साथ में। तो आप ये देख सकते हैं ये हम लोग का कालचीनी का भंडारा है। तो अभी हम लोग अंदर जाके दिखाएंगे क्या क्या लगा है, क्या क्या भक्तजनों के लिए दे रहे हैं, क्या क्या व्यवस्था किया गया है, तो सभी देखेंगे अंदर जाके। तो चलिए आप चलते हैं। ये देख सकते हैं अंदर का नज़ारा, यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, जितने भी भक्त सब यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग का भोजन करने के लिए देख सकते हैं लाइन लगे हैं। तो बहुत ही अच्छा से हम लोग का व्यवस्था किया जा रहा है भक्तजनों सब के लिए। देख सकते हैं भक्तजनों का सेवा करने के लिए क्या क्या चीज़ व्यवस्था किया गया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप ये देख सकते हैं। She just stepped with every ornament we got. Stockings hung, and now we're flowing from the top. देख सकते हैं कितना अच्छा नजारा है। आज मैं यहाँ पे दोस्त के साथ नहीं आया होता तो आज ये नजारा मैं भी नहीं देख पाता, तो आप लोग भी देखिए कैसा नजारा है। वाओ, इतना अच्छा प्लेस देखने के लिए मिलेगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप ये देख सकते हैं वहाँ पे झरना भी दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगा, तो आप लोग भी देख के मजा लीजिए। हेलो गाइस, तो हम लोग का यात्रा यहीं पे समाप्त करते हैं और हम लोग, तो आप देखें कि हम लोग कैसा कैसा जगह पार होके आए, हम लोग का जंगल नदी पहाड़, तो बहुत ही अच्छा लगा। बट हम लोग को जो ऊपर दिखाई दे रहा है वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ तो जा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए उपवास रखना पड़ता है और हम लोग सुबह खा के आए हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे और ऊपर जाएंगे, उपवास रखेंगे और वहाँ का दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। इसे वीडियो के साथ बने रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आप लोगों को। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।